हेलो गाइस, मेरा नाम है मयूर और आप मुझे देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल मयूर व्लॉग्स पर। सो गाइस, एक और नया दिन और एक और नया वीडियो। सो अभी आपको पता ही है कि लॉकडाउन में थोड़ा बहुत हमें ढील मिल चुकी है और लॉकडाउन वाली सीरीज़ आपने मेरी देखी होगी। सो उसमें मैं काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं और काफ़ी सारे जो पुअर पीपल थे, जो नीडी पीपल थे, उनके लिए हम लोग जो मेरे फ्रेंड के साथ में हम लोग जाते थे और जो फूड पैकेट्स हैं या फिर जो फ्रूट्स हैं एनिमल्स के लिए वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सो अभी कल या परसों में मेरे दिमाग में कुछ आया था कि चलो एक काम करते हैं, जो एलिफेंट्स के साथ आजकल हुआ है अभी केरला में थोड़े दिन पहले, वो आप सभी को पता ही है कि क्या कितना पेनफुल था। सो वो अपन डिस्कस नहीं करते। सो उसके लिए मैंने सोचा था कि चलो अभी क्या है, जयपुर में एक हाथी गांव नाम से एक विलेज है, वहाँ पे काफ़ी सारे हाथी रहते हैं। सो उनके जो ओनर्स हैं वो वहाँ पे उनको रखते हैं और आपको पता ही है जो आमेर महल है जो जयपुर में, सो वहाँ पे राइड के लिए काम आते हैं वो। सो वहाँ पे मैं हाथी गांव में मैं जाने वाला हूँ जहाँ पे काफ़ी सारे हाथी होंगे। सो उनके लिए मैंने काफ़ी सारे जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो लिए, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। सो वो मैं लेके चलता हूँ। सो हम जाते हैं हाथी गांव में और उनको खिलाते हैं। सो क्या एक्सपीरियंस रहता है, सो काफ़ी मज़े आने वाले हैं। सो देखिएगा पूरा एंड तक वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा अपने ओपिनियंस। सो अभी मैं गाड़ी में उतर के और आपको पीछे बूट में दिखाता हूँ क्या क्या सामान है और क्या क्या हमने लिया है। तो चलो अभी आपको पीछे चल के दिखाता हूँ। ये देखो, ये काफ़ी सारे हमने अराउंड 100 केजी जो है बनाना लिए हैं। सो जब मैं मंकी को फीड करने गया था तब भी हमने, ये देखो आप यहाँ पे मैं आया हूँ, ये मुहाना मंडी है बेसिकली और ये एशिया की सबसे बड़ी वेजिटेबल मार्केट है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मार्केट। सो हमने ये लिया है और यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये हमने पाइनएप्पल लिए हैं। तो पाइनएप्पल आपको पता ही है जो केरला में जो पूरा हुआ था वो पाइनएप्पल की वजह से हुआ था। सो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था हम दोनों को, मेरे और मेरे फ्रेंड को, कि पाइनएप्पल एलिफेंट खा सकते हैं क्या। सो अभी देखेंगे खा सकते हैं तो इसमें बिल्कुल प्योर ये अभी हमने यहाँ पे मार्केट से लिए। और साथ में एक और चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो इसके अंदर जो है मैंगोज़ हैं। सो ये कम्प्लीट चीज़ें हैं जो हम लेके जा रहे हैं एलिफेंट्स के लिए। सो आप एंजॉय करो वीडियो को और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो विद दैट सेड, आई एम ऑल सेट टू गो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और ये आप मेरे पीछे देख रहे हो। सो यहाँ पे हमें यहाँ पे दो हाथी मिल गए, तो इनसे हमने पूछा है भैया से और ये बोल रहे हैं कि आप खिला सकते हो। सो अभी जल्दी से खिलाते हैं और ये देखो हमने गाड़ी इस तरह से खड़ी कर दी है ताकि इनको जल्दी जल्दी खिला सके। और अभी मैंने भैया से पूछा है कि भैया ये कितना खा सकते हैं, तो बोले जितना आप चाहो खिलाना उतना खा सकते हैं। और देखो इनके लिए यहाँ पे काफ़ी सारा स्टॉक पड़ा हुआ है गन्ने का, तो ये दिन रात खाते रहते हैं, बोले आप दिन में खिलाओ रात में खिलाओ, जितना खिलाओ उतना कम है। तो अभी जल्दी से मैं कैमरे को अपने सर पर माउंट करता हूँ और फिर ये जो बनाना मैं दिखा रहा हूँ आपको जो हम लेके आए हैं वो इनको दोनों को खिलाते हैं। तो अभी आप देखो मज़े आएंगे काफ़ी, पहले केले खिलाएंगे फिर उसके बाद में पाइनएप्पल और फिर जो है, सो पहले एक एक से स्टार्ट करते हैं। ये देखो वो, अरे अरे पूरा ले गया भाई, कहाँ से आओगे? जयपुर से है, देखा जानते हो क्या आप? हाँ पे नगर अपना, नहीं विधान से बस आगे जाके। हाँ वही वही वही, देख 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 क्या हुआ है, क्या चाहिए और पहले खाई नहीं रवि? अच्छा अच्छा पूरे खा जाएगा वो? क्या नाम है भैया इसका? इसका मोती है। उसका? इसका माला। मोती और माला भी नाम सुन लेते के समझते। ज्यादा क्या खाते हैं भैया? ये गन्ना है, गुड़ है, बनाना है।
गुड़ बनना और पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल खा लेंगे पूरा बिना छिले पे छिले। अभी हाथी खरीदे कितने का मिले? अभी कम से कम 70 लाख रुपए का। 70 लाख का? क्या बच्चे लो या बड़ा? कहाँ से लेते हो आप? अपने दिल्ली या आसाम में केरला वो मार्केट है, मंडी लगती होगी। पानी गिर रहा है, क्या चक्कर है? तो गाइस अब बारी आ गई है पाइनएप्पल की और हम पाइनएप्पल लेके आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, निकाल लिए तुम तो पाइनएप्पल आपको खिला के दिखाते हैं। सो मैं ये सोच रहा था कि पाइनएप्पल में इतने सारे कांटे और ये होते हैं, देखो आप किस तरह का होता है पाइनएप्पल, तो ये कैसे खा पाएंगे, पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हैं, खुद हटा लेगा? ओह अरे वाह, उसको फेंक देगा? नहीं नहीं खा जाएगा। उसको भी खा जाएगा? वैसे देखो अभी इसके पास में ही है और अभी खाया नहीं है, अभी जो ऊपर का जो था वो खा लिया इसने। सबसे बढ़िया क्या पसंद है इसको खाना? इसको शेप और बनाना पसंद है। एप्पल, एप्पल और बनाना। गाइस इसको खिलाने के लिए अभी मना किया है इन्होंने, बिकॉज कुछ अभी बीमारी है इसके साथ में, तो अभी ये थोड़ा कम फूड पे है अभी, इसलिए हम केवल इसी इसको खिला रहे हैं। तो अब ये वाला जो है ये खाएगा, इसके जो मुंह में था वो फिनिश हो गया। ये देखो किस तरह से तोड़ लिया इसने और अब खाएगा। भैया अंदर दांत होते हैं क्या इसके मुंह में? कितने होते हैं? अपन को होता है ना, बहुत सारे इतने मोटे मोटे होते हैं। आपने देख रखे हैं? ले ले मत ले, ले पल्ले ले, भर भर भर। ओ गाइस ये देखो, वाओ बहुत बढ़िया। तो गाइस आपने देखा, हमने जो है काफ़ी सारा यहाँ पे खिला चुके हैं और अभी ये भैया बोल रहे हैं मुझे ज़्यादा मत खिलाओ बिकॉज़ अभी गर्मी का टाइम है। तो अभी हम यहाँ से जाते हैं और इन्होंने दो तीन जगह और बताई जहाँ पे एलिफेंट्स हैं, तो वहाँ पे हम जाते हैं और तो वहाँ पे उनको खिलाते हैं, तो वो भी देखना आप। तो ऑल राइट गाइज, एक और जगह और यहाँ पे भी तीन यहाँ पे हाथी हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये ले जाते हैं इनके लिए हम, ये देखो अंदर हैं, ये देखो आप तीन बहुत ही जायंट यहाँ पे हाथी हैं। तो गाइस देख रहे हो इनकी साइज़ भी बहुत ज़्यादा जायंट है, और जो अभी मैंने आपको हाथी दिखाए थे उनसे ज़्यादा जायंट है ये। तो अभी देखो इनको खिलाते हैं। ये देखो यार भैया साइज बहुत तगड़ा है यार, बहुत तगड़ा साइज यार। आपका हाथी मजबूत है, दो काफी हाथी देखे तो कमजोर। हाँ अभी खिला के आ रहे हैं हम औरों को भी। आपके हाथी मजबूत है, गाइस देखो साइज देखो आप इनकी, बहुत गजब की साइज है। ये देखो गाइस ये पूरा एक गुच्छा, वो देखो खेला खेला। गाइस ये देखो अपना मुंह खोल रहा है और ये देखो अपना पेट है ना। हां इतनी जीव है जिंदगी से अभी निकाली थी इसकी। चल
उसके बाद तो आया ही नहीं। ओहो ये देखो गाइस पूरा का पूरा गुच्छा ले गया। देखो और दो केले के झुंड, एक जाएगा इसके पास और एक जाएगा इसके पास। तो आपने देखा कि कितना मजे हमें आए, काफी एंजॉय किया हमने एलिफेंट्स को फीड करके। और फ्यूचर में अगर हमें चांस मिलता है तो हम जरूर जाएंगे ऐसे ही एलिफेंट्स को खिलाने। अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा कॉन्शियस हो रखे हैं उनके जो ओनर्स हैं और ऐसे ही किसी को भी आके उनको फीड करने के लिए परमिशन नहीं देते। बट हमने चलो कुछ काफ़ी सारे लोगों से मिलके और फिर जो है कुछ 8 से 10 ओनर से मिले थे सो जिन्होंने हमें अलाउ किया सो उनके लिए हमने कम्प्लीट फीडिंग जो थी वो करवा दी है। सो आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए बिकॉज फ्यूचर में काफ़ी अमेजिंग कंटेंट आने वाला है मेरे इस चैनल में। नीचे रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।